एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी, उसके दो बेटे थे। एक दिन वो तीनों किसी काम से घर के बाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बैग पड़ा मिला। छोटा बेटा बोला, अरे वाह, बैग है, जरूर इसमें पैसे होंगे, चलो ले लेते हैं, यहाँ तो कोई भी देख नहीं रहा। माँ ने उसे तुरंत रोका और बोली, नहीं बेटा, हम ये बैग नहीं लेंगे, पता नहीं किस बेचारे का है। बेटा बोला, जब यहाँ कोई है ही नहीं तो कौन कुछ बोलेगा, ये तो हमारा हुआ ना। माँ बोली, नहीं, हम आसपास के लोगों से पूछेंगे। छोटा बेटा दुखी हो गया। एक दिन की बात है, जब माँ लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी तो छोटा बेटा बोला, माँ हम आपके काम में हाथ बटाना चाहते हैं। बड़ा बेटा भी बोला, हाँ हाँ, आप हमें भी अपने काम में लगा लो, अब तो हम बड़े और समझदार हो गए हैं। माँ बोली, हाँ ठीक है, तुम दोनों मेरी काम में मदद कर सकते हो, लेकिन पहले मैं देखना चाहती हूँ कि तुम अभी इस लायक हुए भी हो या नहीं। मेरा एक काम करो, दोनों जाओ और जहाँ कहीं कोई चिड़िया मिले उसे पकड़कर ऐसी जगह ले जाकर मारना जहाँ तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो। माँ की ऐसी बात सुनकर दोनों भाई चल दिए। काफी टाइम निकल जाने पर दोनों वापस आए। माँ बोली, बेटा हो गया काम? छोटा बेटा बोला, हाँ माँ, बहुत मेहनत लगी, लेकिन मैंने चिड़िया पकड़ी और एक सुनसान जगह ले जाकर मार दिया। बड़ा बेटा बोला, माँ मैं नहीं चिड़िया मार पाया, मुझे चिड़िया मिली तो, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई मुझे देख ना रहा हो। जहाँ भी मैं अकेले में जाता मुझे दो लोग हमेशा देख रहे थे, एक मैं खुद को देख रहा था और दूसरा भगवान जो हर जगह हैं, वो तो सब देखते हैं। माँ बड़े बेटे की बात से खुश होकर छोटे बेटे को समझाने लगी, देखो बेटा, याद रखो कि तुम अपना कोई भी काम करने में तभी सफल होगे जब तुम्हें याद रहे कि अगर कोई बेईमानी या गलत काम किया तो तुम्हें देखने वाला कोई ना कोई है। अपना काम हमेशा ईमानदारी से करना, तभी सफलता मिलेगी।